नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मैंने कल की वीडियो में जो आपको इस तरह की एक कन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो। तो उसमें बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि भाई इसे खोल कर दिखाए, इसके अंदर है क्या, कितना बड़ा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर है। तो उन सभी की कमेंट पर यह वीडियो आई है फ्रेंड्स। तो उनके कमेंट मेरे को पसंद आए, क्योंकि मेरे भी मन में है कि इसको खोल के देखूँ इसके अंदर क्या है, क्या इसकी सच्चाई है, कैसा इसका बोर्ड है। क्योंकि बहुत सारे कन्वर्टर के अंदर बहुत कम कंपोनेंट लगा के उसको असेंबल कर दिया जाता है और वो कुछ दिन तो सही वर्क करता है लेकिन कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। तो उसी की सारी वीडियो लेके आया हूँ, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इसके जो यहाँ पर चार स्क्रू दिए हुए हैं कन्वर्टर के अंदर, और ये मैंने खोल लिए तो ये इसका खुल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका बोर्ड वगैरह, इसमें दो आईसी लगी हुई है। जो हमारा पहले वाला कन्वर्टर था फ्रेंड्स, जो आपको पहले खोल के दिखाया था मैंने, ये वाला छोटा वाला, इसके अंदर जो थी फ्रेंड्स एक ही आईसी थी यहाँ पे, लेकिन दो दो आईसी हमको मिल जाती हैं। और इसका जो ट्रांसफॉर्मर है वो काफ़ी हैवी है, यहाँ पर ये स्क्रू की मदद से कसा हुआ है। इसके बोर्ड को भी निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसे निकालना थोड़ा कठिन होगा मुझको दिख रहा है। तो मैं इसे भी खोल के दिखा दूँ आपको, आपके कमेंट थे और आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर मैं बोर्ड को अलग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर जो है वायर दिए वो इस तरीके की जंपर वायर लगा दी हैं। इसे लगाना थोड़ा आसान होता है और ये हैवी भी होती हैं, तो इस वजह से इन्होंने वैसे कोई वायर नहीं दी है कवर्ड इस तरीके के। इसके अंदर जो वायर हैं, तो इसे मैं निकाल लूँगा वायर को एक एक करके। ये इसकी जो बोर्ड के सब वायर निकल आए, और बोर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा ये अटक रहा है, इसके अंदर काफ़ी तामझाम है। तो ये देखिए, बोर्ड इसका जो है पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, और पीछे की बनावट आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसकी बनावट दी हुई है पीछे की साइड से जो है। और ये देखो, बिल्कुल एकदम साफ सफाई से धुला हुआ है पूरा बोर्ड, कहीं पे आपको पेस्ट नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे दो स्लॉट हैं, और यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है 317 की। यहाँ पे एक मॉसफेट है P55 की, दो मॉसफेट इसको ट्रांसफॉर्मर को चलाने के लिए। ड्राइव आईसी दिखा दूँगा आपकी, जो ड्राइव आईसी है वो है इसके अंदर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 6352 की इसके अंदर ड्राइव आईसी है। और यहाँ पे भी एक आईसी लगी हुई है LM358L नंबर की, और यहाँ पे एक जो है मॉसफेट टैब में लगी हुई है IRF7545, और काफ़ी हैवी इसके अंदर रेजिस्टेंस हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे दो तो हमको मॉसफेट मिल जाती हैं, एक मॉसफेट यहाँ है। इस पर कोई खास लोड नहीं होता, इस वजह से इन्होंने हीट सिंक नहीं लगाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हीट सिंक लगी हुई है फ्रेंड्स। और जो है यहाँ पर ये आपकी रेगुलेटिंग आईसी, और ये यहाँ पे जो है तीन बटन दी, ये तीन सॉरी लाइट है, इंडिकेशन लाइट, एक ओवरलोड है, एक इनपुट इन्वर्टर ऑन की है, और तीसरी जो है बैटरी की है, इस पर बैटरी लिखा हुआ है, शायद ये लो बैटरी पर जलती है। तो इस तरीके से ये पूरा बोर्ड है, और आपने इसका बोर्ड देख ही लिया कितना अच्छा इसका बोर्ड है, काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे दो स्लॉट हैं, ये भी ओरिजिनल हैं बिल्कुल, जो USB स्लॉट हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी सी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।